सब्सक्राइब कीजिए #HindiYouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तमिलनाडु में 94 वर्षीय DMK अध्यक्ष एम करुणानिधि का मंगलवार को चेन्नई के कावेरी अस्पताल में निधन हो गया था। करुणानिधि को जिस ताबूत में रख कर दफन किया जाएगा उस पर एक संदेश अंकित किया गया है। इस संदेश में लिखा है, जिस व्यक्ति ने बिना आराम किए काम किया अब वे हैं आराम कर रहा है। चेन्नई के राजाजी हॉल में करुणानिधि के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। वहां हजारों की संख्या में DMK समर्थक जमा हैं और वो अपने चहेते नेता को आखिरी बार देखना चाहते हैं। वहीं शांति कायम रखने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, जबकि राजाजी हॉल के बाहर मची भगदड़ में 2 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। समर्थकों की भारी भीड़ को देखते हुए AK स्टालिन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। करुणानिधि को मरीना बीच पर आज शाम दफनाया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चेन्नई स्थित राजाजी हॉल में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि को श्रद्धांजलि दी। उनके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राजद नेता तेजस्वी यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेताओं ने करुणानिधि के अंतिम दर्शन किए। वहीं अमिताभ बच्चन ने ट्वीट के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सम्मानीय और बहुमुखी प्रतिभा के धनी नेता श्री करुणानिधि के लिए मैंने अपनी फिल्म साथ हिंदुस्तान के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हीं से प्राप्त किया था। तब यह समारोह चेन्नई में हुआ था और वे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। करुणानिधि के सम्मान में कोयम्बटूर में एक समर्थक ने अपना सिर मुंडवा दिया है। करुणानिधि को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।